चलिए फील्ड पर हो रहे मुकाबले से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंदर कमरों में हो रहे मुकाबले की। भारतीय टीम के कोच के लिए सहवाग के बाद अब एक और बड़ा नाम सुर्खियों में आ गया है, वो कौन है इस रिपोर्ट में देखिए। चैंपियंस ट्रॉफी के रोमांच के बीच लगातार ये अटकलें भी जारी हैं कि भारतीय टीम का अगला कोच कौन होगा। इसको लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाला नाम भी सामने आया है जो चर्चा से बिल्कुल बाहर था। वो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न का। हालांकि शेन वॉर्न का कहना है कि वह काफी महंगे हैं, इसलिए बीसीसीआई उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती है। इससे पहले भी शेन वॉर्न आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी और उसे मेंटल करते रहे हैं। गौरतलब है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद टीम इंडिया के लिए नया कोच चुना जाना है। अनिल कुंबले का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, पर अभी तक वीरेंद्र सहवाग इस रेस में सबसे आगे बने हुए हैं। इस बीच सहवाग ने बीसीसीआई को जो आवेदन भेजा है वो सिर्फ 2 लाइन का है। ऐसे में बोर्ड ने सहवाग से डिटेल सीवी की मांग की है। जानकारी के अनुसार सहवाग ने अपने सीवी में लिखा है कि वो इंडियन प्रीमियर लीग के किंग्स 11 पंजाब में मेंटर और कोच है और इन लड़कों यानी भारतीय खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेल चुके हैं। खैर सहवाग तो सहवाग ही हैं। उन्होंने सिर्फ 2 लाइन में आवेदन भेजा है और ना ही अपने एप्लीकेशन के साथ कोई फॉर्मल सीवी अटैच किया। उनके डिटेल सीवी आने के बाद ही उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। टीम के मौजूदा कोच अनिल कुंबले का अनुबंध मौजूदा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद समाप्त हो रहा है। हालांकि अनिल कुंबले ने कोच पद के लिए फिर से आवेदन किया है। ऐसे में भारतीय कोच की जंग काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।